अविनाश और पलक का हुआ बड़ा झगड़ा। आकांक्षा और जिया ने दिया पलक का साथ। पल आज के लाइव फीड में हमने देखा कि जिया, पलक और अविनाश एक साथ बैठे होते हैं और नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। अविनाश पलक से कहते हैं कि तुमने सबको टास्क में पैसे लेते टाइम एक साथ क्यों बैठाया था। वहीं पलक अविनाश की बात नहीं सुन रही होती है, जिसके बाद अविनाश की बातों को पलक बेसलेस भी कह देती है। जिया पलक और अविनाश की बातों को सॉर्ट कराने की कोशिश करती है, लेकिन अविनाश पलक पर भड़क जाते हैं। पलक अपने ऊपर उस टाइम बहुत ही ज्यादा प्रेशर होने की बात भी बार बार कह रही होती है। पलक सभी से एक साथ बैठकर सभी को अपने आप को बचाने के लिए कन्विंस करने की बात भी कह रही होती है। वही पलक अविनाश के माँ बाप के लिए कही बात भी उन्हें याद दिलाती है, जिसे सुनने के बाद पलक को काफी ज्यादा बुरा लगा था। पलक अविनाश की बातों को चुगली भी बताते हैं। वही पलक की इन बातों को अविनाश इररिलेवेंट भी कह रहे होते हैं। वही अविनाश पलक की ना बोलने वाली बात को भी बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। अविनाश पलक के बारे में अब ना करने की बात भी कहते हैं। वही जिया पलक का साथ देती हुई नजर आती है और इन बातों में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की बात कह रही होती है। पलक से अविनाश अपने सवालों के जवाब मांग रहे होते हैं, जिसके बाद पलक अपनी कही बात को एक्सेप्ट कर लेती है। अविनाश इस बात पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि पलक ने इस बात को उस टाइम एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था। अविनाश पलक की बातों में और उनमें कोई भी इंटरेस्ट ना होने की बात कहते हैं, जिसके बाद पलक अविनाश के एरोगेंस होने से काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। पलक भी अविनाश से ऊंची आवाज में लड़ रही होती है। पलक अविनाश के नॉमिनेशन के रीजन को भी काफी ज्यादा फुद्दू बताती है, जिसके बाद अविनाश पलक पर कान भरने का इल्जाम भी लगा देते हैं। अविनाश पलक पर आकांक्षा के कान भरने का इल्जाम लगा रहे होते हैं, जिसके बाद अविनाश पलक की कही हंसने वाली बात को पॉइंट आउट करके उन्हें याद दिलाते हैं। आकांक्षा पलक का साथ देती है और ये बात उस मैनर में ना कहने की बात भी कहती है, जिसके बाद पलक पर अविनाश मिसकंसेप्शन देने का टॉन्ट भी मारते हैं। अविनाश पलक पर गुस्सा कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा चिल्ला चोट करते हुए भी नजर आते हैं। अविनाश और पलक का इस बात को लेकर काफी ज्यादा झगड़ा भी हो जाता है। विलाप का अविनाश और पलक के इस झगड़े पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।